दोस्तों नमस्कार आदाब। फिल्मी सेपियन के इस बेहद खास प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हिंदी सिनेमा में कई हास्य अभिनेता आए, लेकिन कुछ ऐसे रहे जिन्होंने अपनी साफ सुथरी कॉमेडी और भोले चेहरे से हम सबको बहुत गुदगुदाया। ऐसे ही एक हास्य कलाकार रहे देवेन वर्मा साहब, जिन्होंने लगभग 50 सालों तक हम सबका मनोरंजन किया। देवेन वर्मा साहब विशेष रूप से बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी जी और गुलजार साहब जैसे कई मशहूर बॉलीवुड निर्देशकों के साथ अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बेशरम सहित कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। उन्होंने चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर और अंगूर जैसी फिल्मों के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। देवेन वर्मा साहब का जन्म 23 अक्टूबर 1936 को मुंबई में हुआ था। देवेन वर्मा साहब के पिताजी बलदेव सिंह वर्मा साहब राजस्थान के रहने वाले थे और चांदी का व्यापार करते थे, लेकिन वे बाद में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में चले आए। वर्मा साहब की माताजी सरला देवी जी गुजरात के कच्छ की रहने वाली थीं और एक हाउसवाइफ थीं। देवेन वर्मा साहब का मूल नाम देवेंदु वर्मा था, जिसे उन्होंने कॉलेज में रहते हुए बदलकर देवेन कर लिया था। उनकी चार बहनें थीं, जिनमें से दो बड़ी थीं और दो छोटी। दो छोटी बहनें जुड़वा थीं। उनकी बहनों के नाम निरुपमा, तुषार, अमिता और पारुल थे। उन्होंने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता अशोक कुमार साहब की बेटी और प्रीति गांगुली जी की बहन रूपा गांगुली से शादी की थी। देवेन वर्मा साहब के प्रारंभिक वर्ष अपने माता पिता और चार बहनों के साथ पुणे में बीते। नौरोजी वाडिया कॉलेज से राजनीति और समाजशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक होने पर 1957 में वह कानून का अध्ययन करने के लिए बम्बई चले गए, लेकिन अपने पाठ्यक्रम के 6 महीने बाद ही उन्होंने इसे छोड़ दिया। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान उन्होंने थिएटर और युवा उत्सव में भाग लेना भी शुरू कर दिया था। कानून की पढ़ाई छोड़ने के बाद भी थिएटर में उनकी रुचि बनी रही, जहां वे उस समय मशहूर कॉमेडियन जॉनी विस्की साहब के साथ नाटकों का हिस्सा बनने लगे और साथ ही साथ वे कई एक्टर्स की मिमिक्री भी करते थे। एक बार एक वन एक्ट शो करते हुए वहां बीआर चोपड़ा साहब उनका शो देखने आए और उनकी अदाकारी से प्रभावित होकर उन्हें अपनी 1961 की फिल्म धर्मपुत्र के लिए साइन कर लिया और 600 रुपए प्रति माह पर अपने प्रोडक्शन हाउस में नौकरी पर रख लिया। और इस तरह वर्मा साहब ने 1961 की फिल्म धर्मपुत्र से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। यह फिल्म विभाजन और धार्मिक कट्टरवाद के प्रभावों पर कड़ा रुख अपनाने की वजह से विवादों से भरी रही। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही, जिसके कारण वर्मा साहब को भारत और विदेशों में स्टेज शो के साथ नाटकों में काम जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 साल बाद उन्होंने 1963 की फिल्म गुमराह से फिल्मों में वापसी की। यह उनकी पहली हास्य भूमिका भी थी, जिसमें वर्मा साहब ने अशोक कुमार साहब के नौकर की भूमिका निभाई थी। गुमराह के बाद वह हिंदी, भोजपुरी और मराठी फिल्मों में नियमित हो गए। वर्मा साहब ने अपने 50 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान लगभग 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा की कुछ बेहतरीन नाटकीय फिल्मों जैसे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की 1966 की फिल्म अनुपमा, 1970 की असित सेन साहब की फिल्म खामोशी में भी कास्ट किया गया। 1971 में गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में वर्मा साहब ने मीना कुमारी जी के झगड़ालू, धोखेबाज पति की गर्म जोशी से भरी भूमिका निभाई। इस फिल्म में गिरती हुई सामाजिक पृष्ठभूमि के विरुद्ध क्षीण मूल्यों और सामाजिक असंतोष की खोज को दिखाया गया था। क्लासिक घरेलू कॉमेडीज में आकर्षक भूमिकाओं के साथ 4 दशकों तक हिंदी फिल्म स्क्रीन की शोभा बढ़ाने वाले देवेन वर्मा साहब विशेष रूप से अपने हास्य अभिनय के लिए याद किए जाते हैं। उन्होंने बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी साहब और गुलजार साहब जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ कई फिल्मों में बेहतरीन हास्य भूमिकाएं की। एक फिल्म और टेलीविजन अभिनेता देवेन वर्मा साहब प्रतिभाशाली मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे। उन्हें 1975 की फिल्म चोरी मेरा काम, 1978 की फिल्म चोर के घर चोर और 1982 की फिल्म
अंगूर जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। फिल्म अंगूर का निर्देशन गुलजार साहब ने किया था और यह फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ कॉमेडीज में से एक गिनी जाती है। वर्मा साहब को 1978 की फिल्म बेशरम, 1969 की फिल्म यकीन, 1971 की फिल्म नादान जैसी कई फिल्मों का निर्देशन करने के अलावा 1992 की फिल्म चमत्कार, 1994 की फिल्म अंदाज अपना अपना और 1997 की फिल्म इश्क में बेहतरीन हास्य भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। नाटकीय भूमिकाओं के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले देवेन वर्मा साहब ने मजाकिया और व्यंगपूर्ण कॉमेडी में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। 1975 की फिल्म चोरी मेरा काम वर्मा साहब के करियर में एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यही वह फिल्म रही जिसमें वह वास्तव में एक हास्य अभिनेता के रूप में सामने आए और अपने सह कलाकारों जैसे शशि कपूर साहब और अशोक कुमार साहब के साथ उनकी केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया गया, जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। प्रभावशाली भूमिकाओं में 1976 की फिल्म अर्जुन पंडित और 1978 की फिल्म चोर के घर चोर में उनके अभिनय ने उन्हें और ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया और फिल्म चोर के घर चोर में उनके अभिनय ने उन्हें उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार दिलवाया। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी साहब की 1979 की फिल्म गोलमाल में अमोल पालेकर साहब के मददगार दोस्त की भूमिका में वर्मा साहब के लिए 70 के दशक का अंत उच्च स्तर पर हुआ। फिल्म गोलमाल को हिंदी सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। ऐसी ही एक और गुलजार साहब की फिल्म अंगूर रही, जो 1963 की एक बंगाली फिल्म भ्रांति बिलास और बाद में 1968 की हिंदी फिल्म दो दूनी चार का रीमेक भी थी। यह फिल्म शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर से प्रेरित थी। इस फिल्म में वर्मा साहब ने उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें देवेन वर्मा साहब और संजीव कुमार साहब दोनों ने दोहरी भूमिकाएं निभाई। उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें अपना तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलवाया, लेकिन ये तीनों अवार्ड्स एक बार सफर करते वक्त उनसे कहीं गुम हो गए, जिसका उन्हें बेहद अफसोस रहा। वैसे तो देवेन वर्मा साहब ने कई बेहतरीन फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं से लेकर कमाल की हास्य भूमिकाएं निभाई, लेकिन वर्मा साहब को उनका अपना सबसे बेहतरीन काम 1982 की फिल्म दीदारे यार में लगा, जिसमें उन्होंने सिकंदर आलम चंगेजी का बेहतरीन किरदार निभाया था। ये फिल्म जितेंद्र साहब के होम प्रोडक्शन ने बनाई थी, लेकिन अफसोस ये ज्यादा चल नहीं पाई। देवेन वर्मा साहब एक और रोल 1978 की फिल्म खट्टा मीठा में पारसी दारा के किरदार में भी नजर आए, जिसमें बढ़ती उम्र से परेशान वे अपनी माताजी से शादी की सिफारिश करते हुए नजर आते हैं। वर्मा साहब के ऐसे कई रोल हैं जिनको उन्होंने एक नई ऊंचाई दी, चाहे वे गोलमाल का मददगार दोस्त देवेन हो, फिल्म अनुपमा का अरुण, फिल्म लोक परलोक का चित्रगुप्त, अंगूर का बहादुर या फिल्म किसी से ना कहना का मनसुख। उन्होंने हर किरदार में अपने रंग भरकर उसको अमर कर दिया। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने टेलीविजन में भी काम किया, जहां 1992 में सुपरहिट सीरियल मामा जी में वो नजर आए और उसके बाद 1993 में सुपरहिट कॉमेडी शो जबान संभाल के में भी उन्होंने प्रफुल्ल पोपट दलाल का किरदार निभाया। देवेन वर्मा साहब ने अशोक कुमार साहब की छोटी बेटी रूपा गांगुली से शादी की थी। अशोक कुमार साहब शुरुआत में उनकी इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन बाद में छोटे भाई और मशहूर गायक किशोर कुमार साहब के समझाने पर वे मान गए। वर्मा साहब एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1969 में प्रोड्यूस की थी, जिसका नाम था यकीन, और इसमें धर्मेंद्र साहब और शर्मिला टैगोर जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इसके बाद फिल्म नादान, जिसको वर्मा साहब ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया था, जिसमें नवीन निश्चल साहब नजर आए। इसके बाद 1973 में बड़ा कबूतर और 1978 में बेशरम, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को मेन रोल के लिए लिया था, और बाद में मिथुन चक्रवर्ती साहब के साथ 1989 में दाना पानी भी बनाई थी। वर्मा साहब ने हिंदी फिल्मों के अलावा कई मराठी और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था। वर्मा साहब खाने पीने के भी बेहद शौकीन थे और मीठा उन्हें बेहद पसंद था।
जिसके फलस्वरूप उन्हें डायबिटीज ने जकड़ लिया, जिस वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना भी बहुत कम कर दिया। फिल्मी दुनिया में नए तरह के वातावरण से निपटने में असहजता महसूस करने के बाद उन्होंने इसे छोड़ने और अपने रिटायरमेंट का आनंद लेने का एक सचेत निर्णय लिया। 2002 की फिल्म मेरे यार की शादी है उनकी आखिरी फिल्म थी, पर उनकी एक और 2003 की फिल्म कलकत्ता मेल, जो बाद में बनकर रिलीज हुई, एक अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी रिलीज कही जा सकती है। हिंदी फिल्मों में 50 साल तक काम करने के बाद 2 दिसंबर 2014 को 78 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। दोस्तों, आप भी एक्टर देवेन वर्मा साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर देवेन वर्मा साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको देवेन वर्मा साहब का कौन सा किरदार बेहद पसंद आया। दोस्तों, हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। अब आप हमसे यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अब आप फिल्मी सेपियन परिवार से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।